हेलो फ्रेंड, मैं रचना गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ जायका आपका और हमारा में। फ्रेंड, दीपावली है, हम सभी अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ मिठाई तो बनाते ही हैं। तो आज मैं सेवई बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में हम एक चम्मच घी डाल रहे हैं और ये हमने एक कप सेवई ली है। सेवई मैंने जो बॉम्बे की वॉर में सिली आती है वो ली है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इसको हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम में भूनना है। इसको हम लाइट पिंक होने तक भून लेंगे। कलर बदलने लगी है, बस जरा सा हमको और भूनना है। सेवई हमारी हो गई है, इसको भूनने में मुश्किल से 3 मिनट का समय लगा है। अब इसी में हम ये आधा कप करी का बुरादा इसको इसी में डाल देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। बस इसको भी हमने 1 मिनट भून लिया है, इसका कलर नहीं बदलना चाहिए। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये एक कप खोया है, ये मैंने 1 लीटर दूध से घर में ही बनाया है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे स्लो फ्लेम में, बस 2 मिनट हमको करना है। ये ध्यान रखना है कि खोया घी ना छोड़ने पाए। बस अब ये हो गया है। इस खोए को भी हम इसी बोल में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको इसी में डालना है। खोया अगर आपका थोड़ा कम है ज़्यादा है तो चलेगा। 3/4 कप हम चीनी ले रहे हैं और इसमें 1 कप पानी डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में चीनी घुलने तक हमें पकाना है और चीनी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब तक चीनी हमारी घुल रही है, तब तक जिस प्लेट या ट्रे में हमको बर्फी जमानी है उसमें थोड़ा सा घी लगा के हम तैयार कर लेते हैं। चीनी हमारी घुल गई है, चाशनी में हमको तार नहीं देखना है, बस चीनी घुलने तक हमें इसे पकाना है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। अब जो ये सिवई और नारियल खोया हमने भून कर रखा है, इसे हम इसे सीने में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसे ढक कर सिवई को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। होकर हम फिर से चेक करते हैं, सिवैयाँ थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। हमको थोड़ी ही सॉफ्ट करना है, बहुत नहीं कराना है। और बीच बीच में भी हमने इसको खोलकर 2-3 बार चलाया है। अब ये बिल्कुल तैयार है और कढ़ाई भी छोड़ रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है, बस हल्का सा गर्म है। हम आराम से हाथ से इसको छू लेंगे। इसको हम एक बार फिर से और अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्लेट में हमने घी लगा कर रखा था जमाने के लिए, इसी में हम इसको निकाल लेते हैं। हम इसको बराबर से फैला के जमा देंगे। कितना मोटा पतला रखना है वो हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। अब हाथ में हम थोड़ा सा घी लगा कर इसको बराबर कर देंगे। इसको हमने अच्छे से बराबर कर दिया है। अब इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो, आप ले लें। बादाम और पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए। और अब इसको हम सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी फिर इसके पीस काटेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए और उसके बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन चूज कीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।